मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के हमने क्लासेस 31 जनवरी तक हमने बंद रखने का फैसला किया है, और कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 यह वैक्सीनेशन के लिए इनको स्कूलों में आने की अनुमति रहेगी, और कक्षा 10 और कक्षा 12 इनकी बोर्ड की एग्ज़ाम रहती है, तो उनके लिए रिवीजन करने के लिए या उनका वो डिस्कशन करने के लिए उनको आने के लिए 10वां क्लास और 12वां क्लास जारी रहेगा। 10वीं और 12वीं के स्कूल के बच्चे जो है वो अगर पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो क्या निर्णय होगा? अभी फिलहाल अपने जब देखते हैं तीनों पहली दो जो वेव थी, पहली वेव, दूसरी वेव, अभी तीसरी वेव की बात चल रही है, कंफर्म नहीं हुआ है कि तीसरी वेव है या नहीं है, लेकिन कंपेयर करें तो इस तीसरी लहर में जो बच्चों की संक्रमित होने की संख्या है कम है, और लेकिन कम भी अगर है तो हमने हमारी जो अस्पतालों में दाखिल कराने की, उनकी इलाज कराने की पूरी व्यवस्था मुहैया कराए रखी है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मामले बढ़ भी जाते हैं तो। सर, ये कोई पैरामीटर सेट किया गया है कि अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी ऑनलाइन हो सकती है मार्च में? वैसा कोई पैरामीटर सेट नहीं किया है, लेकिन ये भी निर्णय शासन स्तर पर होगा, क्योंकि ये चूँकि मुंबई महानगर पालिका के अख्तियार में की बात नहीं है, इसका निर्णय शासन स्तर पर होगा।